हेलो एवरीवन, आज मैं आया हूँ डॉक्टर अंसारी चौक के पास मुगल दरबार, जो कि एक्सिस बैंक के ठीक ओपोजिट में है। वहाँ पे एक्सिस बैंक है, ये मुगल दरबार है। मुगल दरबार स्पेशली बफ मीट के लिए है, और यहाँ पे काफ़ी लजीज खाना, शौरमा, कबाब और सारी बेहतरीन तरीके की चीज़ें हैं। नल्ली निहारी पाया, जो दिल्ली और मुंबई लोग खाने जाते हैं, आज वो हमारे कल्याण में। तो आइए, इनके बारे में बताऊंगा, फूड रिव्यू दूंगा, खा के बताऊंगा कैसा है, और एक टूर दूंगा आपको। साथ में एक्सप्लेन करेंगे हमारे यहाँ पे जो मैनेज करते हैं, वो बताएंगे कि इसका क्या मकसद था और क्या चीज़ें थी। हेलो, तो आप बताइए, मुगल दरबार, मेरे ख्याल से काफ़ी बैकग्राउंड आपका होटल इंडस्ट्री से ही रहा है, बड़े बड़े होटल है, नवाब वगैरह। तो आपने कल्याण में मुगल दरबार ऐसा क्यों चालू किया? ऑलरेडी हम लोग पहले से एक, हमारा बेल बाजार में मालूम होगा आप लोगों को, KFC जी, वो चालू है। कल्याण में फर्स्ट टाइम हमने ये बीफ शोरमा जी स्टार्ट किया। नली नहारी है जी, उसके अलावा डिफरेंट आइटम जी, मतलब एक कोशिश हमारी एक ज़माने से चल रही थी जी, वो जाके अब रंग लाई। ओके, तो कोशिश ये चल रही थी क्योंकि एक प्रॉपर बीफ का ये नहीं है रेस्टोरेंट, कोई प्रॉपर शॉप नहीं है, रेस्टोरेंट नहीं है, यानी कि रेस्टोरेंट्स है चिकन के, बकरा का, बीफ का। तो बेसिकली आपको मैं बता दूं, बीफ यानी कि बफेलो मीट से रिलेट होता है, और ये यहाँ पे डिश मिलती है और एकदम काफ़ी लाजवाब डिशेस है। तो डिशेस के बारे में बताइए। डिशेस में हमारे पास गुर्दा कलेजी है, नली नहारी है, दाल गोश है जी। बीफ में आपको बिरयानी बहुत लजीज मिलेगी, पुलाव है जी। उसके अलावा बीफ लाहौरी है जी, लाहौरी में मतलब ऐसा रहता है कि राइस रहता है प्लेन, और हम उस पर रोस्ट करके, तंदूर करके, ओके, बफेलो का मीट डालते हैं। वो हमारे आइटम बहुत सारे डिफरेंट हैं, एक कोशिश है आप लोगों का साथ है, इंशाल्लाह आगे तक ये चलेगा और बहुत सारे ऐसे लजीज डिशेस आपको हम देंगे, इंशाल्लाह आपको अच्छे लगेंगे और पसंद आएंगे। मेरे ख्याल से अभी एक हफ्ता हुआ इनको ओपनिंग करके, तो रिस्पांस आपको कैसा लगा? बहुत शानदार रिस्पांस है, बहुत लोगों ने हमें हिम्मत दी, हमारे फूड को पसंद किया, और माइंड ब्लोइंग बहुत ही अच्छा मतलब रिजल्ट मिला है। चलिए, तो आज हम भी ट्राई करेंगे कैसा लगता है इनका फूड और कैसा शानदार चीज़ें हैं। तो आइए देखते हैं, आइए। तो आज मैं एक्चुअली अकेले रिव्यू नहीं देने वाला, तो बफ मीट मेरे साथ खाने आज आए हैं आशीष, फिर रोहित है, और महेंद्र जी है, और ये लोग शौकीन है, मुझसे ज़्यादा शौकीन है। एक्चुअली मैं बहुत कम खाता हूँ बीफ मीट, बट यस, आई लव चिकन एंड ऑल, तो मैं उसका रिव्यू एकदम एग्जैक्ट दे पाऊँगा, बट बफ मीट का, इसके लिए मुझे इनकी हेल्प लगेगी कि आप लोग को बताने के लिए कि कितना बेहतर है या फिर टेस्ट में कितना अच्छा है। तो चाप और चकली कबाब हम लोग स्टार्ट करेंगे और रिव्यू लेंगे, तो प्लीज स्टार्ट एवरीवन। महेंद्र जी, आपने कबाब ट्राई किया, चाप ट्राई किया, अभी पाया की तरफ मुड़ रहे, अब तक कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है, बहुत अच्छा, इट्स वेरी नाइस, ये लग ही नहीं रहा है, मतलब इट्स ऑलमोस्ट गोट मीट जैसे ही लग रहा है। ओके, या बहुत अच्छा है, नाइस, अच्छा, एकदम टेंडर है, क्रिस्पी है, एकदम टेस्ट में भी बहुत अच्छा है, ग्रेट। रोहित, काफ़ी अच्छा है, मेंटेन्ड है स्पाइस बैलेंस एकदम, और ज़्यादा ऑयल नहीं है, पर ठीक है, टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है। ऑयल ज़्यादा चाहिए था क्या? आदत है ऑयल ज़्यादा होने। आशीष, सब कुछ खा के तो बहुत अच्छा लग रहा है अभी तक, टेस्ट भी बहुत अच्छे, स्पाइसेस एकदम बेस्ट। अभी पाया खाने वाला हूँ मैं, बट एक्सपर्ट्स रिव्यू मैटर्स मोर, ये लोग ज़्यादा खाते हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो चलिए, अभी ये और एक गुर्दा का डिश है, आप देख सकते हो, कलेजा गुर्दा है और ये पाया है, अभी इसको देखते हैं हम लोग खा के।
स्पाइसी हॉट है जैसा पाया होना चाहिए। दरबार में आज काफ़ी लजीज आइटम सब एकदम बढ़िया टेस्ट करके मजा आ गया। फाइनली बिरयानी पे आए हैं हम और बिरयानी टेस्ट करके मजा आ गया। तो राइस तो पूरा ख़त्म हो चुका है इस वक्त, मैं ये पीस ले रहा हूँ, देखते ये कैसा लगता है। मस्ट टेंडर, काफ़ी जूसी है और टेस्ट भी काफ़ी मस्त लग रहा है, बहुत बढ़िया। काफ़ी टेस्टी और काफ़ी बढ़िया शॉर्मा है यहाँ का। शॉर्मा के लिए यहाँ पर लाइन लग गई, मुझे शॉर्मा के लिए आधा घंटा वेट करना, मतलब हालांकि उन लोग कर रहे कोशिश और एक मशीन डाले शॉर्मा की क्विक सर्विस करें, शॉर्मा असम और यहाँ पे भीड़ लगती है। आज काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मुगल दरबार में, तो मैं आज मेरे कुछ दोस्तों के साथ आया था, रोहित, महेंद्र भाई, आशीष भाई, इन लोगों के साथ आया था और काफ़ी बढ़िया एंजॉय किया। और महेंद्र भाई तो इतने खुश है कि घर के लिए पूरे फैमिली के लिए पार्सल लेके जा रहे, और शॉर्मा के लिए हम लोग को काफ़ी टाइम लगा, शॉर्मा के लिए इतनी लाइन है यहाँ पर कि बस नहीं है, बाकी सब चीज़ें क्विकली मिल गई थी और सारी चीज़ें काफ़ी टेस्टी और काफ़ी यमी है क्या नहीं, और काफ़ी इन्जॉय किया। जैसे मैंने बताया था पहले भी, ये लोग एक्सपर्ट है इनमें, मैं काफ़ी कम खाता हूँ बट इन लोग एक्सपर्ट है और इन लोग ने काफ़ी इन्जॉय किया। ये लोग तो बोल रहे हैं मुझे वापस अगले हफ्ते भी आते हैं, नेक्स्ट वीकेंड में, तो आप भी आइए ज़रूर, ट्राई कीजिए, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू।